ग्राम पंचायत छिछोर में आज से 5 साल पहले एक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था, जिस जो चालू न होने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के गांव के लोगों को 15 किलोमीटर दूर दवा के लिए जाना पड़ता है। तो तेरी गाँव में हॉस्पिटल कौन बागा? हाँ बनल बा, लेकिन चालू नहीं किया। कितना साल हो गए लोग? अरे 5 वर्ष के ऊपर हो गए। सुना था नहीं, कोई मेडवाई डॉक्टर बैठे ना जाए? केहू ना बैठे ला, इस समय तो कुल जाकर लड़का फैका कुल दहते हैं तो मैं झाड़ा फिर हूँ से, जितना स्कूल वाला लड़का वहाँ सब जाके झाड़ा फिर हूँ से। तो ओकर ना रहला से का तो के फायदा बा नुकसान बा? आ दिक्कत बटे कि आदमी रतनपुरा जाता, मऊ जाता टे, जोगापुर जाता टे, दिक्कत काहे नहीं के, बहुत ना दिक्कत बा। जब खुल जाए तो आदमी के आराम रहे, बिना पैसा का दवाई मिले। जो बैठल बड़ी का चीज है? अस्पताल है। तो एमे कोई बैठे उठेला केहू ना खे आइल भाई? तो एमे तो हम कुछ कार्यरत हो का कर्मचारी के रूप में कुछ एमे का हम दाई है? हां हां। तो कुछ मिलेला आपके? हाँ का मिलेला, तो पहले तनखा मिलत रहे, अब आशा किरण हो गए लोग तब से ना मिलेला। जब हमके में रखी हाँ तो भाई कर तो हम हो के कुछ मिलबे करी। गाँव वाला के सुविधा हुई? हमारे यहाँ एनएम सेंटर है जो अभी आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ, बना करके पूर्ण में नहीं है, एनएम वहाँ रहती नहीं है। इसका निर्माण 2009 में उसको बनने, एनएम सेंटर बनने से कोई गांव को बेनिफिट नहीं है। ये सेंटर कैसे चल सकता है? ये सेंटर जो है सीएमओ इसकी अपना देख रेख करे, कहे क्यों बंद है क्यों नहीं बंद है, वही ना हेड अधिकारी हैं जिले के, वो चाहेंगे तो ये सेंटर चालू हो जाएगा। आपने इसके लिए कोई कदम उठाया था? मैंने अपने पीएससी पर हेड से कहे थे, कहने के बाद इधर वो टाल दिए, उनका ट्रांसफर हो गया। मैं चाहता हूँ जो हमारे साथ समस्या हुआ है वो समस्या आसपास के गांव के लोगों के साथ न हो, ताकि सही से इलाज हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस अस्पताल का जांच करवाएं, सही रूप से इस अस्पताल को चलाने का प्रयास करें, जिनका फ़ोन नंबर है 9415846700 पर फ़ोन कर दबाव डालें और हमारा सहयोग करें। मैं सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, इंडिया अनहट के लिए।